हेलो क्लास 7 चैप्टर 8 ज्योग्राफी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड। तो इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। क्वेश्चन सेकंड पार्ट, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन। तो वहाँ पे जो मेन क्रॉप्स हैं वो थी टेपियोका, पाइन एप्पल एंड स्वीट पोटेटो। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। तो हमने पढ़ा था फाल्कन्स, हमिंग बर्ड्स एंड द बर्ड ऑफ पैराडाइज। वॉट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। तो हमने पढ़ा अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। ये जो सिटीज हैं, ये मेन मेन सिटीज हैं। वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसेरेस फाउंड। इट इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। टिक द करेक्ट आंसर। टाउकन्स आर अ टाइप ऑफ बर्ड्स। तो इसका है ए पार्ट बर्ड्स। मैनियोक इज द स्टेपल, मैनियोक इज द इसका आंसर है अमेज़न। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। कॉनिफरस ट्रीज। नेक्स्ट इज बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द डेल्टा एरिया और रीजन। मैच द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल। तो ए पार्ट में हमारे पास है कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्कवर्म, काजीरंगा। और इसके सामने हमारे पास है असम, टेरेस फार्मिंग, सेरिकल्चर, स्लांटिंग रूफ, गंगा प्लेन, वाराणसी एंड फिश। तो इसका सब पहले कैसे होगा? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो कॉटन टेक्सटाइल के साथ क्या जाएगा? वाराणसी। तो कॉटन टेक्सटाइल के साथ आप करोगे वाराणसी को। देन मलोका के साथ क्या है? स्लांटिंग रूफ। देन पिराना के साथ आप करोगे इट इज अ फिश। सिल्कवर्म सेरिकल्चर। काजीरंगा इज इन असम एंड दैट इज इट। तो ये आपके पास सारा कुछ आ गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। गिव रीजंस रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। तो इसका रीजन क्या है? व्हाई आर रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग। तो इसका मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से क्या है, डिफॉरेस्टेशन होनी शुरू हो गई। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टॉप सॉइल है लैंड की वो वॉश ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है और लैंड जो है बैरन लैंड बन रही है और वहां पे दोबारा जो ट्रीज है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसका क्या रीजन है? पैडी के लिए हमको बहुत सारा वाटर चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए स्टेगनेंट वाटर चाहिए पैडी ग्रोथ के लिए। और गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के अंदर, प्लेन के अंदर पैडी उन जगहों पे ग्रो होती है जहां पे हाई रेनफॉल होती है, ताकि उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो। दैट इज इट। दिस फिनिशेस द चैप्टर। थैंक यू।